नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट्री इंडिया। राजस्थान के पूर्व कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन का नाम आज फिर से सुर्खियों में है। मेवाराम जैन के कारण बाड़मेर सोशल मीडिया मंच पर यानी कि एक्स पर ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर है। वजह है मेवाराम जैन के दो वीडियो जो 5 जनवरी को अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग लिख रहे हैं कि आज राजस्थान शर्मसार हो गए। दरअसल मेवाराम जैन पर पहले से एक रेप का केस चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी कांड का है। इस वीडियो के कई स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री थे और आपको बता दें कि उनकी गिनती बाड़मेर के बड़े कांग्रेसी नेता के रूप में होती है। लेकिन बीते दिनों जोधपुर में एक महिला ने मेवाराम जैन सहित RPS आनंद सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा था कि मेवाराम जैन ने उन्हें बेटी कहा था, लेकिन बाद में मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए रेप किया। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसकी नाबालिग बेटी के सामने भी छेड़छाड़ की। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित महिला ने FIR में 2 अश्लील वीडियो का जिक्र किया था। अब मेवाराम जैन से जुड़े 2 वीडियो सामने आए। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स मेवाराम जैन ही है। इसके साथ ही इससे जुड़े कुछ फोटो भी शेयर किए गए हैं। एक वीडियो 6 मिनट और दूसरा वीडियो 53 सेकंड का है। आपको बताते हैं कि पुलिस रिपोर्ट में पीड़िता ने कहा था कि पूर्व विधायक ने रेप करते हुए वीडियो भी बनवाया था और साथ ही ये भी कहा कि दूसरी 15-16 साल की लड़कियां भी लेकर आओ। यही नहीं, आपको जानकारी दे देते हैं कि पीड़िता के खिलाफ बाड़मेर के कोतवाली थाने में पीड़ित महिला द्वारा पॉक्सो और STSC मामले में आरोपी बनाए गए रामस्वरूप आचार्य द्वारा सेक्स टॉर्शन का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें पीड़ित महिला और उसके सहयोगियों द्वारा 50 लाख रुपए लेने और रुपए मांगने का आरोप लगाया था और पैसे नहीं देने की हालत में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस पीड़ित महिला को बाड़मेर भी लेकर गई थी और पूछताछ भी की गई थी। पीड़िता द्वारा राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज FIR 2 वीडियो का जिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीड़िता के अनुसार दोनों वीडियो पेन ड्राइव में हैं। जब वो वीडियो पेन ड्राइव में हैं और पेन ड्राइव पुलिस को ही दिए गए थे तो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हो गए? आपको इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।